तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउज़र के होम पेज पर वेबसाइट्स के शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं, ताकि जिन भी वेबसाइट्स को आप बार बार यूज़ करते हैं उन्हें आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप दोस्तों क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 वेबसाइट्स के शॉर्टकट्स पहले से ही ऐड हैं दोस्तों। यहाँ पर वेबसाइट ऐड करने के लिए आपको कोई क्रोम में मैनुअल ऑप्शन नहीं दिया गया है, जहाँ पे जाके आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिन भी वेबसाइट्स को आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, यानी कि बार बार यूज़ करते हैं, क्रोम उनको अपने आप यहाँ पे एज अ शॉर्टकट ऐड कर देता है दोस्तों। तो इसके लिए आज हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ से एक वेबसाइट को रिमूव कर देना है, जिसको भी आप यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, जो आपके काम की वेबसाइट नहीं है। तो उसके लिए आपको उस वेबसाइट पे टैप एंड होल्ड करना है, यानी कि आपको उस पे टैप करके रखना है और उसके बाद आपके सामने ये 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आपको रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस वेबसाइट को यहाँ से रिमूव कर देना है। और अभी आप जिस भी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आपको सिंपली उसे यहाँ से सर्च करके ओपन कर लेना है। तो जैसा कि अभी मैं कोई भी रैंडम वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। तो जैसे ही वो वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आपको कुछ टाइम के लिए उसे यूज़ करना है, लाइक 20-30 सेकंड आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैं रैंडमली इस वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए यूज़ कर लेता हूं, और उसके बाद इस वेबसाइट को आपको बुकमार्क में ऐड कर लेना है दोस्तों। उसके लिए आपको जो ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको सिंपली उन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगा। यहाँ से आपको जो ऊपर स्टार वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको होम पेज पे चले जाना है, उस होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। और उसके बाद दोस्तों आपको फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और बुकमार्क्स वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से दोस्तों आपको फिर से उसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि अभी मैंने फिर से amazon.in वेबसाइट को ओपन कर लिया है, उसके बाद फिर से आपको होम पेज पे चले जाना है, उस होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और इसी प्रोसेस को दोस्तों आपको 3-4 बार करना होगा, जिससे कि क्रोम अपने आप उस वेबसाइट को शॉर्टकट्स में ऐड कर देगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रोसेस को 3 टाइम्स रिपीट करने से ही हमारी जो अमेज़न वेबसाइट का शॉर्टकट है वो ऐड हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी अपने स्मार्टफोन के क्रोम ब्राउज़र में वेबसाइट्स के शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। और अगर आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।